तो भाई वेलकम बैक सिडब्रिक्स के एक नए वीडियो में, जहाँ आज बात करने वाले दृश्यम 2 के ट्रेलर पे, जो कि एक दो दिन पहले रिलीज हुआ था। और इसके पहले इसके टीजर पे भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि इसके पहले भी जब दृश्यम 2 का टीजर आया था, तो तब ये चीज तो कंफर्म थी कि इसमें कुछ ज्यादा अलग देखने नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मूवी सीक्वल होने वाली दृश्यम पार्ट 1 की। जहाँ इसमें इसके पहले पार्ट में जो सारी इंसिडेंट हुए थे, जो कि विजय सलगांवकर यानी कि हमारे भीमल वाले अजय देवगन के फैमिली के साथ उसे फॉलो करेगी। जहाँ 7 साल बाद फिर से ये केस रीओपन होते दिखा है, जो कि बहुत सीरियस है, क्योंकि किसी माँ का ठरकी बेटा गायब है तो तकलीफ तो होगी। और देखा जाए तो ट्रेलर में केस रीओपन करके विजय सलगांवकर के फैमिली के ऊपर वापस शक किया जा रहा है। और ये चीज तुम्हें मालूम भी होगी कि ये सही है अगर तुमने इसका पहला पार्ट देखा होगा तो, क्योंकि उस पिक्चर में अजय देवगन ने उस लड़के को पुलिस स्टेशन के नीचे ही गाड़ दिया था और इसके पीछे अच्छा खासा कांड हुआ था। तो ज्यादा जानना होगा तो मूवी जाके देख लेना। नहीं और इस चीज को कंटिन्यू करते हुए ये पिक्चर बनी है। बाकी ट्रेलर में वही सारे पुराने विक्टिम्स को बुला के वापस से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि इस बार ये माँ हार मानने वालों में से नहीं है। जहाँ सलगांवकर फैमिली में से सिर्फ विजय सलगांवकर ही एक कैरेक्टर होता है जिसके चेहरे पर टेंशन नहीं दिखती, बाकी लोगों की तो फट के हाथ में आ गई थी। ट्रेलर में इस बार भी उनकी फैमिली को कस्टडी में लेके बिना प्रूफ के बस कन्फेशन लेने में लगे पड़े हैं। और जहाँ एंडिंग में अजय देवगन कन्फेशन देते हुए दिखते भी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भले कन्फेशन दे भी दे पर कहानी घूमेगी जरूर। और वही कहानी में 2 और 3 अक्टूबर का मसला देखने मिलता है, जहाँ इस केस को ऑपरेट कर रहे अक्षय खन्ना, जो कि एक हाई रैंक ऑफिसर होते हैं। और इस बंदे की वजह से थोड़ा और भी मजा आएगा मूवी में। बस मूवी में खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पहले पार्ट में थोड़ा बहुत तो खींचा ही था और ट्रेलर का बीजीएम सुनने में ठीक लग रहा था। बाकी वैसे भी रीमेक ही है साउथ मूवी की, तो अगर साउथ वाली दृश्यम 2 नहीं देखी है तो और भी मजा आएगा, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं देखी। तो बाकी और कुछ बचा नहीं है, जितना कुछ ट्रेलर में देख के समझा था सब बता दिया। बाकी इसी पे एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जो मन चाहे वो करके जाना। अब मुझसे पर्सनल कनेक्ट होना तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहे सिटप्लेक्स के साथ। मिलते अगली वीडियो में, जब तक ले चलो पीस।